बैक हो गया ट्रैवल व्लॉग में आप लोग सबका। लास्ट टाइम हम मालदीव गए थे और मैंने कहा था कि कोई भी लॉन्ग वीकेंड आएगा तो हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं जाएं। तो थंबनेल और कैप्शन से तो आपने देख लिया अगर हम कहाँ जा रहे हैं। 6 रात का ये पूरा ट्रिप है जिसमें 4 से 5 सिटीज़ घूमेंगे, अलग अलग जगहें देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो अभी रेडी हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। एयरपोर्ट पर सुना है बड़ा रश है तो थोड़ा जल्दी निकलें, बोर्डिंग करते हैं, फिर मिलते हैं और आपको कल का प्लान बताते हैं। क्योंकि हम वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर रात के बज रहे होंगे 2 और सो जाएंगे। रूम टूर भी करा देंगे, कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट डे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकलेंगे सिटी टूर के लिए, तो वो भी आपको बता देंगे। उसमें से कौन कौन सी प्लेसेस घूमेंगे वो भी बता देंगे, ठीक है? तो चलो मिलते हैं। यार निकलने से पहले सोचा एक फ्रेश मिल्क की चाय हो जाए और उसके साथ नान कढ़ाई हो जाए, क्या बोलते हो? डेडली कॉम्बिनेशन है। ओके, एयरपोर्ट पर पता नहीं कितनी देर खड़ा रहना पड़े, तो ये ख़त्म करते हैं, फिर टैक्सी पकड़ते हैं और जाते हैं। फाइनली एयरपोर्ट पहुँच गए, बोर्डिंग कराते हैं और फिर ऑप्शन 2 पहुँचे तो पता चला टर्मिनल 3 से फ्लाइट है। तो फिर से टैक्सी पकड़ी और टर्मिनल 3 जा रहे हैं और टिकट पे लिखा हुआ नहीं था और मैंने बोला यार फ्लाई दुबई तो टर्मिनल 2 से ही जाती है, तो ऑब्वियस होगा। जब यहाँ पहुँचे तो पता चला टर्मिनल 3 जाना है। तो चलो टर्मिनल 3 निकलते हैं, वहाँ बोर्ड करवा। टर्मिनल की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, टर्मिनल 3 पहुँच गए इसलिए कहते हैं कि अपने टाइम से पहले निकला करो। चलो फिर बोर्डिंग, फाइनली बोर्डिंग करा के अंदर चल के मिलते हैं, फिर देखते हैं किस टाइम पहुँचते हैं। और आज कोशिश करूँगा रूम टूर करवा दूँ, ठीक है? ओके, यहाँ पे तो इतनी लाइन है और यहाँ पे इतनी लाइन है, हमारे पास खाली हैंग कैरी है। तो इसका सलूशन ये है कि आप, हम ऐप डाउनलोड करते हैं और ऐप से चेक इन करके बोर्ड इन करके अंदर चले जाते हैं, सही है? इस क्यू को स्किप करने का सबसे बेस्ट। इतनी लंबी जो लाइन थी वो हमने स्किप कर दी ऑनलाइन चेक इन करके। अभी अंदर चलते हैं, कुछ खाने पीने का लेते हैं, फ्लाइट लेते हैं और डायरेक्ट आपको रूम दिखाते हैं कि हमारा रूम कैसा है। यार ये नया ड्यूटी फ्री का सेक्शन बनाया है, कितना खूबसूरत बनाया है। टर्मिनल 3 जो है वो 5 टाइम बड़ा कर दिया है। C13 गेट अभी तक नहीं आया है, हम जा रहे हैं अपने गली वाली सीट जिसने भी बनाई है ना उसकी सैलरी बढ़ा दो। चलो वेट करते हैं फ्लाइट पर, आपको प्राइसेस भी बताते हैं। अच्छा, तो हमें फ़्लाइट जो मिली है वो 1200 दरहम्स की मिली है क्योंकि ईद का सीज़न है, और होटल हमें 6 नाइट्स का मिला है अराउंड 1550। सस्ता था लेकिन मैंने सिंगल रूम करवाया था कि मैं अकेले रह सकूँ। आपका साल में बंदा 1-2 छुट्टियाँ लेता है तो उसमें थोड़ी लग्जरी ज़्यादा है। तो अभी फ़्लाइट में बैठेंगे, वहाँ लैंड होंगे, उसके बाद रूम टूर करवाएंगे, फिर कल से जो है वो हमारे टूर शुरू हो जाएंगे। तो अब तक यही, हाँ एयरपोर्ट ट्रांसफर्स के भी मैंने के भी पैसे भरे हैं, उसके मैंने 100 दरहम एक्स्ट्रा दिए हैं क्योंकि यार एयरपोर्ट से टैक्सी लेके जाना ही एक असल है। इसमें अच्छी बात ये होती है कि एक गाइड आ जाता है और आपको होटल तक छोड़ देता है, तो उसमें स्कैम होने से, बहुत सारी चीज़ों से बच जाता है। तो चलो नेक्स्ट मिलेंगे होटल के। ये बहुत अच्छा है, सीट नंबर भी लिखे हुए हैं और ताशकंद भी बना हुआ है। फ्लाइट दुबई की फ्लाइट है भाई, बहुत इजी वीज़ा प्रोसेस था, बहुत जल्दी फ्री हो गए। सही, अभी होटल चलते हैं। आई थिंक जितनी भी कंट्रीज विज़िट किए सबसे तेज़ वीज़ा यहीं अप्रूव हुआ है, स्टैम्प लगा है। तो अब जा रहे हैं होटल, रात के यहाँ बज रहे हैं 3:30, तो होटल जाएंगे, होटल दिखाते हैं आपको कैसा है। सही है। अच्छा, तो मौसम तो यहाँ बड़ा अच्छा है। ये था एयरपोर्ट, 5 मिनट में बाहर आ गए हम और मौसम यहाँ पे हो रहा है 25 डिग्री। और हमारी तो है यहाँ से जाने के लिए बस जो सामने खड़ी है ये वाली, तो बस बस में बैठते हैं और निकलते हैं। लॉबी हमारी और हमारा नंबर, रूम नंबर है 405। 4 बज गया यार, सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है। कार्ड मार चेक करते हैं रूम कैसा है। आई थिंक ये इसके अंदर जाना पड़ेगा और लाइट खोल गई। अरे वाह, अच्छा रूम है यार, सामान हमारा बाहर पड़ा हुआ है। एक सिंगल बेड ये है, एक सिंगल बेड वो है, स्टडी है, और वैसे भी सुबह ही हो गई है और अभी सही व्यू नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पूरी पक्की सुबह हो जाएगी तो आप लोगों को दिखाऊँगा। चलो यार बहुत लेट हो गया, थक गए, कल के टूर स्टार्ट करते हैं और कल से आपको पूरी सिटी घुमाते हैं, ठीक है? गुड नाइट, सी यू, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं।